अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, ये हमारी टेस्ट डिस्कशन है, टेस्ट नंबर 6 को इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। आप लोगों को जो है यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल कर दिया जाएगा, सो स्टार्ट करते हैं जी। कहते हैं जी, ये टेस्ट नंबर 6 था, 29 मार्क्स का था और 50 मिनट्स आपको दिए गए थे, 10 मिनट जो थे एडिशनल रीडिंग टाइम था। अच्छा जी, कहते हैं जी, डिस्कस हाउ द फॉलोइंग शुड बी डील्ड, कहता विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ रेलिवेंट एंटिटीज अकॉर्डिंग टू IAS 20। कहता IAS 20 कौन सा है जी? ये गवर्नमेंट ग्रांट है। कहता गवर्नमेंट ग्रांट के मुताबिक बता दें, ये जो नीचे सिनेरियोज दिए गए हैं इनको कैसे डील करना है जी, पढ़ते हैं जी। कहता है जी, एक गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ ₹25 मिलियन वॉज रिसीव्ड बाई एन एंटिटी इन 2022। कहता जी 2022 में 20 मिलियन रिसीव किया गवर्नमेंट से एक एंटिटी ने फॉर द डैमेज टू इट्स हेड ऑफिस बिल्डिंग। कहता है एक हेड ऑफिस में बिल्डिंग थी जो कि डैमेज हो गई। कहता कॉज बाय द फ्लड इन December 2021। कहता जी फ्लड आया होगा, सैलाब आया होगा, जिस वजह से बिल्डिंग जो है वो डैमेज हो गई, उसकी वजह से गवर्नमेंट से 25 मिलियन रिसीव हुए। ये असल में थोड़ा समझने की हमने कोशिश करनी है कि ये जो पैसे रिसीव हुए हैं ये किस वजह से रिसीव हुए हैं जी। पास में क्या कहते हैं, कोई काम हो गया होगा जिसके बदले में ये 25 मिलियन रिसीव हुआ। कहता एज अ रिजल्ट ऑफ डैमेज एंड इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 21 मिलियन वॉज रिकग्नाइज इन 2021। अच्छा, वो कहता जी जैसे ही फ्लड आया बिल्डिंग मुतासिर हो गई तो इस पे इम्पेयरमेंट लॉस आ गया 21 मिलियन का। अब ये तो जी आया होगा 2021 में, हमने 2022 में इसका जवाब देना, क्योंकि 2022 में इस गवर्नमेंट ग्रांट का ट्रीटमेंट क्या करेंगे जी। ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है ये हमें रिसीव हुई है, गवर्नमेंट ने हमें पैसे दिए हैं जो कि पास में कोई इवेंट कोई वाक्या रूनुमा हो चुका उसके बदले में। तो सर जी इसको हम क्या करेंगे, कोई कंडीशन अटैच तो है नहीं, तो जिसे हमें सिस्टमेटिक वे में ओवर द जितने सालों के कंडीशंस हैं तो उस पर हमें जो है इसे इनकम में लेके जाना पड़ेगा, ऐसी तो कोई कंडीशन है ही नहीं। पास में कोई वाकया रूनुमा हो चुका है तो इसे इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, ठीक है जी। तो हम इस तरह इसका जवाब दे देंगे कि ये जी ये स्टैंडर्ड जो है पहले ये बताएंगे कि IAS 20 के मुताबिक ये गवर्नमेंट ग्रांट है, ठीक है जी, और इससे जो है ये हमें रिसीव हुई है पास से किसी इवेंट से इसका ताल्लुक है, ये हमें उस वजह से रिसीव हुई, और फिर साथ हम ये बता देंगे कि इसे इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा जी। कहता सिंस द ग्रांट हैज़ बीन गिवन एज अ कंपनसेशन फॉर एक्सपेंसेस और लॉसेस, ठीक है जी, ये एक्सपेंसेस की वजह से हमें रिसीव हुई थी ग्रांट डेट वर ऑलरेडी इंकर्ड इन 2021, जो ऑलरेडी इंकर्ड हो चुके हैं। कहता इट शुड बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस इन 2022, जिस साल मिली इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लें प्रॉफिट एंड लॉस में, डेफर्ड इनकम बनाने की जरूरत ही नहीं है। कहता द अमाउंट रिपोर्टेड इन 2021 शुड नॉट बी, अच्छा ये अभी ना IAS 8 आपको पता अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह ये इस लाइन की गुफ्तगु थोड़ी सी ना तब कर लेंगे जब IAS 8 जो है हमने ज़्यादातर पढ़ लिया होगा। तो इधर तक बस जवाब आप दे दें इसका, इधर तक, ठीक है जी, उम्मीद है बात समझ आई होगी। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे आए, कहता है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी एस्टैब्लिश अ प्लांट इन एन एरिया। कहता है एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, उसने प्लांट लगाया एक ऐसे एरिया में विद हाई इलिटरेसी रेट। कहता जी एंड रिसीव ए गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ ₹20 मिलियन। कहता जी कोई ऐसा इलाका होगा जिधर क्या कहते हैं एजुकेशन जो है उस एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ग्रांट दी 40 मिलियन की। कोई ऐसा इलाका होगा ना जिसे गवर्नमेंट प्रमोट करना चाह रही होगी ताकि लोग जो हैं आला तालीम हासिल करें इधर। अच्छा भैया, कहता था ग्रांट रिसीव वॉज इक्विलेंट, कहता जो ग्रांट रिसीव हुई ये बराबर है टू 2 ईयर्स की सैलरीज ऑफ द लोक ऑफ द 50 लोकल पर्सन एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी। कहता ये जो ग्रांट रिसीव हुई ना ये 50 लोगों की 2 साल की सैलरी के बराबर है। कहता था ग्रांट इज रीपेएबल इन फुल, कहता ग्रांट वापस कर दी जाएगी पूरी अमाउंट। कहता इफ द नंबर ऑफ दीज एम्प्लॉयज फॉल्स बिलो 50 एट एनी टाइम ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 साल, कहता अगर आपने अगले 5 सालों में किसी भी टाइम 50 से एक एम्प्लॉय भी कम किया तो ये ग्रांट जो है जितनी भी मिली है ये सारी की सारी रीपे हो जाएगी।
अब भाई देखें, इस क्वेश्चन के अंदर ना कंडीशन है, गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट दी और साथ कंडीशन भी अटैच की कि अगले 5 सालों तक, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। अच्छा जी नेक्स्ट, अब क्योंकि क्लास में तो मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ, बल्कि हमारे साथ जो हैं हमारे कैमरामैन भाई हैं। अच्छा जी कहता जी नेक्स्ट 5 ईयर्स जो हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये कंडीशंस आयद कर दी है गवर्नमेंट ने, तो ये 5 साल जो हैं ये कंडीशन है, ठीक है। तो अब हमने असल में क्या करना होता है, पहले ये चले लाइन पढ़ने, कहता है इट इज हाईली प्रोबेबल डेट द एंटिटी विल कंप्लाई विद द कंडीशन अटैच्ड टू द ग्रांट। अच्छा, हमने रिकग्निशन क्राइटेरिया IAS 20 में ये पढ़ा हुआ है कि गवर्नमेंट ग्रांट को तब हम रिकॉर्ड करेंगे जब रीजनेबल अश्योरेंस हो कि हम जो है कंडीशन अटैच जो है वो ग्रांट्स के साथ वो हम मीट कर जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में देखें जी, कहता जी ये हाईली प्रोबेबल है, रीजनेबल अश्योरेंस है कि ये जो 5 सालों की शर्तें लगाई गई हैं इससे हम मीट कर जाएंगे, सही है। तो इससे हम गवर्नमेंट ग्रांट जो है ये 40 मिलियन की कंसीडर कर लेंगे। लेकिन भैया अगला सवाल ये पैदा होता है, क्या इसे इमिजिएटली हमें प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना पड़ेगा या डेफर्ड इनकम बना के आहिस्ता 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 आहिस्ता, यानी 5 साल है ना भैया, तो 5 सालों की बेसिस पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना पड़ेगा। तो हम कहेंगे आज जो हमें ग्रांट मिली है, क्योंकि रीजनेबल अश्योरेंस है, ये है तो गवर्नमेंट ग्रांट ही, लेकिन इसे फौरन प्रॉफिट एंड लॉस में लेके नहीं जाया जा सकता, बल्कि इसे डेफर्ड इनकम बनाएंगे। अच्छा, और भाई ये जो ग्रांट है ना ये वाली, ये एक्सपेंसेस 2 ईयर सैलरीज, ये एक्सपेंसेस, ये जो है ना इनकम, इनकम का इनकम वाला ट्रीटमेंट करना है इसके साथ। अब इसमें जो है ट्रीटमेंट तो हमने इसमें इनकम वाला करना है, लेकिन इसमें बात असल में ये है कि जब हम SOCI बनाएंगे, SOCI बनाएंगे, अब इसमें दो काम हो सकते हैं, या तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ये जो एक्सपेंसेस होंगे ये 2 सालों की बेसिस पे जो जो कह रहे हैं, ये जितनी भी ग्रांट मिली असल में 2 सालों की सैलरी है, ठीक है। या तो हम एक्सपेंसेस को ऐसे दिखा दें, ठीक है जी, ग्रॉस अमाउंट से एक्सपेंसेस को दिखाएं, और जो गवर्नमेंट ग्रांट है इसे हम क्या करेंगे भाई, आहिस्ता आहिस्ता करके इनकम में लेके जाएंगे और इनकम जो है वो भी दिखाएं, या फिर इसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या है, ये वाला काम ना करें और एक्सपेंसेस को ग्रॉस से नहीं बल्कि नेट से दिखा दें, नेट ऑफ ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है, ठीक है जी। तो इसका ये इस तरह करके हमने इसका जवाब देना था। अब भाई इसके ज़रा सोल्यूशन को देख लेते हैं, कहता जी सिंस देयर इज अ रीजनेबल अश्योरेंस दैट द कंडीशंस अटैचिंग टू द ग्रांट विल बी मेट, दिस इज अ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, इनकम से रिलेटेड है, विच शुड बी रिकग्नाइज इन स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस ओवर द 5 साल। कंडीशन क्योंकि 5 सालों की है तो जितनी कंडीशन होती है उस बेसिस पे हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे। कहता है इन विच एंटिटी इंकर्स द कॉस्ट इंप्लाइंग 50 लोकल पीपल, कहता अमाउंट टेकन टू प्रॉफिट और लॉस में आइदर भी। अब अच्छा, इसके ना दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं, जो जो मैंने लिखे हैं वो लिख के भी बता दिए। कहता या तो हम इसे अदर इनकम में ले जाएं, ठीक है, आइदर भी प्रेजेंटेड एज अदर इनकम, रहता या तो इसे इस तरह करके दिखा दें, सेपरेट एक्सपेंसेस को दिखाएं, सेपरेट इनकम को दिखाएं। और दूसरी बात क्या है, अगर ऐसे नहीं दिखाना तो कहता फिर हम क्या करेंगे, और शोन एज डिडक्शन फ्रॉम द रिलेटेड एक्सपेंसेस, ठीक है जी। कहता या फिर हम इसे क्या करें, मिसाल के तौर पे अगर 40 है डिवाइडेड बाय 5 करें तो ये 8 आ जाएगा। कहता या तो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उसमें से हम -8 कर दें, ऐसे दिखा दें, या फिर इसको सेपरेट दिखा दें। उम्मीद है बात आप समझ गए होंगे। अच्छा जी, और कहता द रिमेनिंग अमाउंट विल बी प्रेजेंटेड एज डेफर्ड इनकम अंडर लाइबिलिटीज इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जी हमने बात काफ़ी दफ़ा ये डिस्कस की हुई है, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड का नाम बताएंगे कि भाई, फिर बताएंगे कि जी कि ये गवर्नमेंट ग्रांट जो है ये इसका रिकग्निशन क्राइटेरिया बता देंगे, फिर उसके बाद भैया हम इसका ट्रीटमेंट बताएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या किया जाएगा, फिर हम इसका ट्रीटमेंट बताएंगे जी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या किया गया। तो भाई जब भी हमें इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें अंग्रेजियाँ लिखनी होंगी तो पहले हम स्टैंडर्ड की तरह रेफर कर देंगे कि इस किस स्टैंडर्ड की बात की जा रही है, फिर हम ये कह देंगे उस स्टैंडर्ड के अंदर, इधर तो खैर स्पेसिफिक किया हुआ है ना उसने IAS 20 को, तो
अगर स्पेसिफिक नहीं किया होता तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं, किस स्टैंडर्ड की बात की जा रही है, फिर हम बताते हैं उस स्टैंडर्ड के मुताबिक इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है जी। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं, फिर हम उसे लेके आते हैं कि जी स्टेटमेंट ऑफ दो दो स्टेटमेंट्स है ना, फिर हम असल तो स्टेटमेंट्स तो पाँच हैं, लेकिन हम फिर बताएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में इसको किस तरह लिखा जाएगा, क्या ट्रीटमेंट होगा, फिर हम बताएंगे कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में इसके साथ क्या सलूक किया जाएगा। तो दोनों बातें हमने कर दी भैया। अच्छा जी, अब हम जी क्वेश्चन नंबर थ्री, इसका पार्ट थ्री कर लेते हैं। कहता है गवर्नमेंट बिल्ड एन अल्टरनेट रोड टू इंडस्ट्रियल जोन इन विच एन एंटिटीज फोर्स एंटिटीज फैक्ट्री इज सिचुएटेड। कहता है जी गवर्नमेंट ने नई नई सड़कें बना दी हैं इंडस्ट्रियल एरिया वाली साइड पे, कहता है जिधर जो है एंटिटी की फैक्ट्री है। कहता था न्यू रोड हैज़ रिड्यूस द डिस्टेंस टू द मार्केट। कहता मिसाल के तौर पे पहले मार्केट जो थी बहुत ज़्यादा दूर थी, कहता अब जो है नई रोड नवी नकोर रोड बनने की वजह से क्या हो गया, कहता ये जो मार्केट का डिस्टेंस है ना ये कम हो गया, यानी इजी एक्सेस होगी ना मार्केट में जो लोग हैं उनको इजी एक्सेस है जी फैक्ट्री। अच्छा जी, लोग आ सकते हैं मार्केट में जल्दी इनके पास, और ये बहुत जल्दी मार्केट में इनकी एक्सेस से जल्दी जाया जा सकता है। कहता है एंड वुड रिजल्ट इन एन एनुअल सेविंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ ₹3 मिलियन फॉर द एंटिटी। अब असल में बात ये है भाई, हमने एक बात पढ़ी थी, गवर्नमेंट असिस्टेंस होती है ना जी, वो हम उस असिस्टेंस होती है ना जो, या तो हम उसे गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट करते हैं या फिर गवर्नमेंट असिस्टेंस के तौर पे ट्रीट करते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट जो होती है उसमें चूंकि अमाउंट बड़ी अमाउंट जो है उसका हमें पता होता है, सही है। दूसरी कंडीशन रिकग्निशन में क्या है कि अमाउंट सर्टन हो। अच्छा तो भाई हम उसे गवर्नमेंट ग्रांट कंसिडर कर लेते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट को डिस्क्लोज भी करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम इसे रिपोर्ट भी करते हैं। जब गवर्नमेंट असिस्टेंस होती है, मिसाल के तौर पे हमें मुफ्त के मशवरे दे रही है गवर्नमेंट, ठीक है, टेक्निकल एडवाइस दे दी या कुछ इस तरह की बातें, हमने किताब में एग्जाम्पल पढ़ी थी, एक एग्जाम्पल नंबर 5 या 6 है शायद। अच्छा वो हमने पढ़ने की कोशिश की थी, ज़रा देखिएगा वो हमने पढ़ी हुई है। तो मेरे भाई उसमें उसने हमें बताया था कौन सी चीज़ें गवर्नमेंट असिस्टेंस हैं, कौन सी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट ग्रांट हैं। अगर आप मुझे कहें तो मैं आपको इधर से निकाल के भी दिखा सकता हूँ भैया, ये हमने ये वाली एग्जाम्पल डिस्कस की हुई है कि कौन सी चीज़ें गवर्नमेंट असिस्टेंस बनेगी, कौन सी गवर्नमेंट ग्रांट और कौन सी कुछ भी नहीं बनेगी। अगर तो कोई ऐसी चीज़ है जिसके साथ हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं उसे भैया हम गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट करेंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ है गवर्नमेंट ने हमें असिस्ट कर दिया, एडवाइस दे दी भैया, और उससे हमें डायरेक्टली बेनिफिट हो गया, तो भैया इसे गवर्नमेंट असिस्टेंस कहेंगे। और गवर्नमेंट असिस्टेंस को हम रिपोर्ट तो नहीं करते, लिखते तो नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन उसको उसका नोट्स विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर ज़रूर देते हैं भैया। कोई ऐसी चीज़ जिससे हमें फ़ायदा तो हुआ, लेकिन वो जो फ़ायदा है वो सिर्फ हमें नहीं हुआ, वो इनडायरेक्टली बेनिफिट है, वो पूरी इंडस्ट्री को फ़ायदा है उस हमें नहीं है। तो भाई इसको ना तो हम डिस्क्लोज़ करेंगे और ना ही हम रिपोर्ट करेंगे, यानी सादा बात करें तो ना ये गवर्नमेंट ग्रांट है और ना ही गवर्नमेंट असिस्टेंस है जी। ये गवर्नमेंट असिस्टेंस की एक दफ़ा डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, ये वाली एग्जाम्पल नंबर 3 अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये गवर्नमेंट असिस्टेंस असल में क्या होती है, गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है। तो भाई ये जो हमें बेनिफिट दिया जा रहा है ना, इसे ट्रेडिंग इसमें ट्रेडिंग में हेल्प तो होगी, लेकिन क्या उसका नाम है, ये सिर्फ हमें हेल्प नहीं की जा रही बल्कि इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट हेल्प है, ये पूरी इंडस्ट्री के साथ यही सलूक है, पूरी इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा ना कि सिर्फ हमें होगा। इसका भाई जवाब कुछ इस तरह हम लिख देंगे, द सेविंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज नॉट अ गवर्नमेंट ग्रांट। सो नो ट्रांस क्यों कहता है, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, कहता है नो ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बीन मेड। कहता है फर्दर इट इज, इसको भाई हाईलाइट कर लीजिएगा, नो ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज को, ये अहम बात है। कहता है फर्दर इसके अलावा इट इज़ नॉट कंसिडर एज अ गवर्नमेंट। कहता है तो गवर्नमेंट ग्रांट की बात कर रहे हैं, हम इसे गवर्नमेंट असिस्टेंस समझने को भी तैयार नहीं है। एज द बेनिफिट इज प्रोवाइडेड इनडायरेक्टली, इस लफ्ज को भी हाईलाइट कीजिएगा भैया, इनडायरेक्टली टू द एंटिटी। कहता बिल्डिंग, कहता बनाना ऑफ द रोड इज बेसिकली अ प्रोविजन ऑफ बेटर ट्रेडिंग कंडीशन। कहता इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर देना गवर्नमेंट, कहता ये तो सारी इंडस्ट्री को फ़ायदा देगा ना, सिर्फ ना कि हमें देगा, एक्सपोर्ट में एक हेल्प कर देना, एक्सपोर्ट की पॉलिसी अच्छी कर देना। कहता ये गवर्नमेंट सिर्फ हमें बेनिफिट नहीं दे रही बल्कि सारी इंडस्ट्री को दे रही है। कहता ये जो है ये बेसिकली प्रोविजन है बेटर ट्रेडिंग कंडीशन टू ऑल एंटिटीज़, ये भी हाईलाइट कर लीजिएगा भैया,
ऑल एंटिटीज ऑपरेटिंग इन द इंडस्ट्रियल जोन, कहता है उस इंडस्ट्रियल जोन जो होता है ना, इंडस्ट्रियल जोन का असल में मतलब पता क्या जी, एक कहता जी इंडस्ट्रियल एरिया है, सही है भैया, हम इधर रायवन वाली साइड पे जाएं तो इधर बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, तो कहते जी ये इंडस्ट्रियल एरिया है, ये कमर्शियल एरिया, ये इंडस्ट्रियल एरिया, कहता है इस इंडस्ट्रियल एरिया में सारी एंटिटीज को बेनिफिट हो रहा होगा, कहता कॉन्सिक्वेंटली, कहता द सेविंग, इसकी वजह से द अफेक्ट ऑफ सेविंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नीड नोट टू बी अकाउंटेड, कहता है इसको ना तो हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करेंगे, ना ही हम इसे डिस्क्लोज करेंगे, अकाउंट का मतलब रिकॉर्ड करना होता है, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी। उम्मीद है जी बात आप समझ के होंगे। अच्छा भाई इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसे एक दो दफ़ा लिखिएगा भी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट भी कर लें भाई। MCQs जो हैं इसको हम इंशाल्लाह जो है, इसे हमने डिस्कस भी किया हुआ है, बाद में फिर एक दफ़ा कर लेंगे, इसमें करेक्शन ऑफ एरर्स के भी 2-3 MCQs थे, इसे हम पहले वो MCQs अपनी किताब वाले कर लेंगे फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी ये बाद में डिस्कस कर लेंगे जो MCQs हैं। अच्छा उसके बाद मेरे भाई हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये जो 3 करेक्शन ऑफ एरर से आया था, कहता प्रिपेयर नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016, 11 मार्क्स का ये था भैया, कहता प्रिपेयर एडजस्टेड फिक्स एसेट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द इख्तितामी साल ऑफ 31 दिसंबर 2016। भैया एक तो हमने एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी है, और मेरे मासूम दोस्तों और हमने क्या करना है सर, और हमने एडजस्टेड अकाउंट्स बनाने हैं किस चीज़ के भैया, एसेट, फिक्स एसेट के और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के। इसका मतलब है हमें अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए होंगे, पढ़ते हैं जी, कहता था फॉलोइंग बैलेंसेस पर्टेनिंग टू फिक्स एसेट्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड, कहता कहाँ से निकाले गए हैं, कहता फ्रॉम द ट्रायल बैलेंसेस ऑफ सर सब्जो शादाब ट्रेडर्स, कहता फॉर द इख्तितामी साल ऑफ 31 दिसंबर 2016। यानी भैया ये बैलेंस दिया है ये अनएडजस्टेड है, फिक्स एसेट का बैलेंस अनएडजस्टेड है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी अनएडजस्टेड है, तो भाई इसे इसके एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। अच्छा जी अब मेरे भाई हम क्या करेंगे, एडजस्टिंग एंट्रीज पास करेंगे। अच्छा जी सर सब्स लिमिटेड, जी हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आए हैं भाई, हम इधर लिखेंगे सर सब्स लिमिटेड एड जस टेंग एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड, भाई ईयर एंड हो गया है ना इसलिए एंडेड लिखेंगे, एंडेड लिखेंगे जी, 31 दिसंबर 2016। भाई इधर 12 नहीं लिखना, आई के आपने दिसंबर लिखा है तो हम भी भाई दिसंबर ही लिखेंगे जी। अच्छा जी भाई ये तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 है शायद, ए है तो बी बी जी, इसको नाम दे देंगे ए का, क्वेश्चन नंबर 3 ए। और मेरे भाइयों हम क्या करेंगे, कुछ लाइंस छोड़ते हैं, कुछ जगह छोड़ते हैं और हम कर लेते हैं, और हम भाई बना लेते हैं एडजस्टेड अकाउंट्स बना लेते हैं दोनों के, जी इधर तक जगह जी। भाई ये आपका पेज नंबर होगा 1 जिधर हम क्वेश्चन करेंगे भाई, और मुझे तो बोर्ड में मसला होता है ना थोड़ी जगह का, और ये आपका पेज नंबर होगा, पेज नंबर 1 मतलब 1 से मुराद है इसे आप एक सफ़े पे करेंगे, और उससे अगले पे जगह छोड़ के, जगह छोड़ के आप क्या करेंगे भाई, आप 2 पेजेस छोड़ दीजिएगा इसको, पेज 1 एंड 2 आप 2 पेजेस छोड़ दीजिएगा इसके लिए, इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, और अगले पे जाइएगा, इधर आप लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का बी, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 का बी,
इधर जब ये लिख देंगे तो भाई इधर अब हम क्या करें, एडजस्टेड अकाउंट्स बनाने हैं। क्या करने हैं? एडजस्टेड, चले ये ना लिखें बस, ए एडजस्टेड अकाउंट्स। अच्छा जी, और एक अकाउंट और बनाना पड़ेगा भाई। भाई ये है फिक्स्ड एसेट का अकाउंट, भैया इधर डेबिट, इधर क्रेडिट, भैया ये है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसी। आपने पूरा लिखना है भाई पेपर में। भाई इधर डेबिट और इधर क्रेडिट। अच्छा भाई जरा क्वेश्चन को देखते हैं, रुपीस में है, थाउजेंड में है, किस में है? अच्छा जी, अच्छा रुपीस में है भैया, हम इसको थाउजेंड्स में कर लेते हैं। किस में करते हैं भाई? थाउजेंड में, ये मेन रिक्वायरमेंट है। चूंकि फिर हम इधर क्या लिख देंगे, रुपीस इन थाउजेंड, रुपीस इन थाउजेंड। अच्छा जी, जी इधर लिखते हैं भाई, बस इधर करके थोड़ा लिखना चाहिए था, लेकिन चले। अच्छा जी, जी भाई क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नहीं, सबसे पहले हम बैलेंसेस लिख लेते हैं जी। सबसे पहले अनएडजस्टेड बैलेंसेस लिखते हैं जी, इसके हमें कोई 0.5 मार्क्स मिल जाएंगे जी। हमने इधर लिखना है जी अनएडजस्टेड बैलेंस जी। कितना है भैया? 25,000 जी। और इधर लिखेंगे, इधर भी अनएडजस्टेड बैलेंस लिखेंगे, और भाई ये है 6,250, 6,250। कहता जी डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट इज चार्ज फ्रॉम द मंथ ऑफ एडिशन। कहता डेप्रिसिएशन हमने स्टार्ट कर देनी है जिस महीने एसेट को परचेज किया होगा, टू द मंथ, तब तक, प्रायर टू डिस्पोजल। कहता जो महीने, जिस महीने में डिस्पोज कर देंगे एसेट को, उससे पहले पहले तक, मिसाल के तौर पर अगर कोई एसेट मार्च में डिस्पोज किया, तो उसकी डेप्रिसिएशन हमारे वाले साल में सिर्फ 2 महीने होगी, यानी जनवरी और फेब होगी। अगर कोई एसेट डिस्पोज किया दिसंबर में, तो भाई हम दिसंबर के महीने की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है? अच्छा, कहता मेथड कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और भैया रेट है 20% पर एनम जी, याद रखिएगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट जो लगता है मेरे मासूम दोस्तों, वो नेट बुक वैल्यू पे लगता है। कहता जी फॉलोइंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कहता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द करंट ईयर यानी 2016 में हैज़ बीन करेक्टली कैलकुलेटेड एंड रिकॉर्डेड। कहता है रिकॉर्ड भी कर दिया, कैलकुलेट भी किया, रिकॉर्ड भी किया, एक्सेप्ट, ये बहुत खतरनाक लफ्ज है एक्सेप्ट, यानी कहता है इसके अलावा, फॉर द फॉलोइंग, कहता इनके अलावा बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट भी किया और रिकॉर्ड भी कर दिया जी। पढ़ते हैं किन के अलावा, कहता फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट वॉज कैरिड आउट ऑन, कहता फिजिकली यानी गिना एसेट्स को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहता गिना, कहता और 31 दिसंबर 2016 पे, विच रिवील्ड, कहता और पता चला द फॉलोइंग मैटर्स फॉर विच नो एडजस्टमेंट वॉज मेड इन द किताबों में। कहता और फिजिकल वेरिफिकेशन इंस्पेक्शन से पता चला कि ये वाली एडजस्टमेंट किताबों में हमने की ही नहीं है, ठीक है जी। फिजिकल वेरिफिकेशन से ये पता चला होगा कि भाई ये वाले एसेट्स तो मौजूद ही नहीं है, सही है, उधर से हमें पता चला। कहता टू लैपटॉप्स परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2015, यानी कहता दो लैपटॉप ऐसे थे, हमारा साल क्या है, 1 जनवरी 16 से लेके 31 दिसंबर 2016 तक,
ऐता टू लैपटॉप्स जो हमने परचेज़ किए थे 1 जुलाई 2015 पिछले साल में, जिनकी कॉस्ट है 245,000, कहता वर विद ड्रॉन बाय द प्रोपराइटर, कहता ये ऑनर घर ले गया, यानी ये ड्राइंग्स हैं, कहता ऑन 1 मई 2016 फॉर हिज पर्सनल इस्तेमाल, फॉर हिज भैया पर्सनल इस्तेमाल, कहता अपने पर्सनल यूज के लिए ये वाले एसेट वो घर ले गया, यानी ये है ड्राइंग्स। और इसकी जर्नल एंट्री हमने किताबों के अंदर की ही नहीं है भाई, हम जो अपना पुराना फॉर्मेट बनाते हैं वो लिखते थे रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री भैया, फिर हम लिखते थे करेक्ट एंट्री भाई, फिर हम लिखते थे करेक्ट एंट्री भाई, और हम लिखते थे रेक्टिफाइंग एंट्री, मैं पूरा नहीं लिख रहा, रेक्टिफाइंग। अगर उसने किताबों के अंदर कोई एंट्री नहीं की तो ये गलत किया, तो क्या किया भैया, बिल्कुल गलत कर दिया, तो हम सही वाली एंट्री कर देंगे भाई, सही है। अच्छा अब क्या होना चाहिए था, कहता ये एंट्री ही नहीं की गई, ये एंट्री ही नहीं की, तो भाई क्या एंट्री असल में होनी चाहिए थी, क्या होनी, ड्राइंग्स की एंट्री होनी चाहिए थी, उसने कुछ कोई एंट्री नहीं की, इधर कोई एंट्री, कहता उसने कोई भी एंट्री नहीं की, तो भाई जारी सी बात है, तो फिर यही वाली एंट्री एडजस्टिंग एंट्री भी बन जाएगी, सही है। डी, एंट्री होनी चाहिए थी भाई ड्राइंग्स डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट। अब बात को जरा समझिएगा भाई, देखें कभी तो हम एसेट को बेच देते हैं, जब एसेट बेचते हैं तो उसे कहते हैं डिस्पोजल, जब एसेट हमारे हाथ से निकल जाता है तो भाई हम हमारे लिए रेलिवेंट क्या होती है, बुक वैल्यू रेलिवेंट होती है, सही है। बाकी सारा का सारा क्या होता है भैया, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है भाई, कहते हैं जी अगर बुक वैल्यू से ज़्यादा का एसेट बिक गया, बुक वैल्यू हम एसेट बुक वैल्यू कैसे आती है, या तो डायरेक्ट बुक वैल्यू लिख दें, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जा सकती है तो एसेट को क्रेडिट करें, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या कर दें जी, किताबों के अंदर रिकॉर्ड कर दें। अच्छा जी अब मेरे भाई ये एसेट बिका तो नहीं मार्केट में, लेकिन ऑनर घर ले गया, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा जी उस एसेट की औकात कितनी थी जिसको ऑनर घर ले गया। पहले इधर हमने कभी ड्राइंग नहीं लिखा था, हम लिखते थे कैश जब डिस्पोज करते थे, तो भाई आज कैश तो नहीं मिला बल्कि ऑनर घर ले गया, हमने एक चीज पढ़ी हुई है ऑनर जो भी चीज घर ले जाए हम उसे कहते हैं ड्राइंग डेबिट, और जो चीज ले जाए उसको क्या कर देते हैं भैया क्रेडिट, तो भाई इसकी यही एंट्री होनी थी, बस इधर आ जाना था ड्राइंग्स, और मेरे भाइयों इधर आ जाना था फिक्स एसेट, यानी लैपटॉप थे तो बस फिक्स एसेट्स के नाम से लिख रहा हूं फिक्स एसेट्स, और सर इधर आ जाना था, इधर आना था फिक्स एसेट्स, और सर इधर आना था उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जानी थी भैया, और जो डिफरेंशियल था वो प्रॉफिट और लॉस में चला जाना था। चलो इसको बाद में देखते हैं भाई, फिक्स एसेट, फिक्स एसेट भाई कितने से एसेट्स चले गए भाई, जिसकी कॉस्ट थी 245,000, एसेट्स की कॉस्ट थी 245,000, वो किताबों से निकल गए। अब सवाल ये पैदा होता है इनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है भाई, देखिएगा 240, अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ, अगर मैं इसे कैलकुलेट करना चाहूँ तो भाई कुछ इस तरह कैलकुलेट करूँगा, इस तरह करके कैलकुलेट करूंगा कि जी डेट, डेट डेस्क्रिप्शन, यह है जी डेट डिस्क्रिप्शन, और जी इधर एसेट आ जाएगा, जी एसेट कब आया, 1 जुलाई 2015 पे एसेट आ गया। अब भैया डेप्रिसिएशन कितनी आई, डेप्रिसिएशन कितनी आई, सॉरी डिस्क्रिप्शन आई जी कॉस्ट कितनी, कितनी भैया ये आ गई हमारे पास 245,000, कितनी आई भैया 245,000।
अभी ऑब्वियसली। अच्छा, इसका सोल्यूशन से मैं आपको ना ज़रा करवा देता हूँ, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, मेरे पास कोई स्टूडेंट भी नहीं है इस टाइम, तो भाई इसको हम ज़रा सोल्यूशन से देखते हैं। कहता है भाई भाई, कहता है जी, ये देखें, कहता है 1 जुलाई 2014 पे एसेट लिया या 15 पे लिया? ये एसेट हमने कब परचेज किया था भैया? हमने ये एसेट परचेज किए थे 1 जुलाई 2015 पे। अच्छा जी, अगर 15 पे किए थे भाई, तो 2015 वाला साल और 2016 के कितने महीने भाई? 2016 के सिर्फ 4 महीने। अच्छा जी, तो भाई इसको हम किस तरह करेंगे, ये थोड़ा सा जी, सॉरी, ये है भाई 245,000, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे डेप्रिसिएशन से 20%, सिर्फ 6 पे 12 कर देंगे। हमारे पास बुक वैल्यू आ गई 31/12/2015 पे, बुक वैल्यू आई 2500। भाई ये करेक्ट वाला काम है, ये रॉन्ग काम है। अच्छा, इन्होंने भी इधर तक तो यही किया होगा, लेकिन इन्होंने अपनी किताबों से ये एसेट ही नहीं निकाला होगा, इनके किताबों में अभी भी एसेट पड़ा होगा, इन्होंने ये एंट्री नहीं की। जो सो हमने डेप्रिसिएशन कितने महीनों की चार्ज कर की होगी? 4 महीनों की। इनके पास अभी भी ये वाला एसेट पड़ा होगा, और इख्तलाफी बात जो है, इन्होंने डेप्रिसिएशन 12 महीनों की चार्ज कर दी होगी। अगर हम इधर आए भाई, हमने तो 4 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज की, इधर थोड़ी गलती है, इसको थोड़ा सा सही कर लें भाई। ये डेप्रिसिएशन जो गलत वाली है, इन्होंने ऐसे चार्ज की होगी 220, इधर तक तो कोई इख्तलाफ नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 20% इन्होंने चार्ज की होगी। अगर मल्टीप्लाई बाय 20% करते हैं भैया, तो ये जवाब आता है 44,100। ये आता है भैया 44,100, यानी एक्सेस ये है, इतनी एक्सेस डेप्रिसिएशन इन्होंने चार्ज कर ली, इतनी एक्सेस कर ली चार्ज, यानी हमें इसे रिवर्स करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा भैया, प्रॉफिट एंड लॉस तो इधर खैर नहीं आएगा ना, इधर ड्राइंग्स हैं। ये क्या हैं? ड्राइंग्स हैं, ऑनर चीज़ ही घर ले गया ना। अच्छा भाई, अब हमें क्या करना पड़ेगा? ये है जी फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट कितने से? किताबों से चले गए, 245,000 से किताबों से चले गए। अच्छा भैया, भाई जितने की चीज़ों की औकात थी वो ऑनर घर ले गया ना। अच्छा, अब भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? सवाल ये पैदा होता है जो सही वाली है भाई, 24,500 प्लस ये 14,700, तो ये मेरे भाई दोनों को या तो आप टू या दोनों को ऐड कर लें, या फिर जो हमने तरीका सीखा हुआ है, हम करेंगे 245,000 माइनस 205,800, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। जब हमने ये आपसे गुजारिश की थी भैया, जब भी आप बुक वैल्यू निकालें तो साथ जो है उसको माइनस ज़रूर कर दिया करें कॉस्ट में से, साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाया करेगी। तो भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनती है 39,200। और सर जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो क्या है जी? वो ड्राइंग्स हैं। वो क्या हैं भैया? ड्राइंग्स जी, 205,800 हैं भाई। भैया लेक्चर ध्यान से लें, इससे आपकी करेक्शन ऑफ एरर्स की काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह हल हो जाएंगी। अब जब वापस आएंगे, एक दो छुट्टियां जो आ रही हैं कल, जब अब ये लेक्चर लेके आइएगा, करेक्शन ऑफ एरर्स इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका टर्म टेस्ट होगा, तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन टेस्ट हो सकते हैं, और ये इम्पोर्टेंट गुफ्तगू है। अच्छा जी, आप मेरे भाई एक तो ये वाली एंट्री कर दी, और भाई एक एंट्री और करनी पड़ेगी। हमारे मुताबिक जो डेप्रिसिएशन थी हमारे वाले साल की, वो बनती थी मेरे भाई, वो बनती थी तकरीबन 14,700। उन्होंने, ये जो मैंने आपको सही भी करके दिखा दिया, 14,100। तो भाई जो इख्तलाफी बात है ये वाली इख्तलाफी जो बात है मेरे भाई, ये 29,400 वाली, इसकी हमें रिवर्सल की एंट्री करनी पड़ेगी। यानी हमें क्या करना पड़ेगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें 29,400 से डेबिट करना पड़ेगा भाई, और क्रेडिट क्या करना पड़ेगा? डेप
एक्सपेंस। जी, एक तो ये काम हमने कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें इसे अकाउंट्स में पोस्ट भी करवा दें भाई। इधर से 245,000, यानी 245 से क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स का रेफरेंस दे दें भैया, या एडजस्टमेंट नंबर 1 कह दें बस। और भाई क्या करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा। अच्छा, 1,000 में है तो ये फिर रेस कर दें, इधर पॉइंट कर लें भाई, 39.2 कर लें, ठीक है जी। इसको कर लें फिर 205, 205.8 कर लें भैया। इसे भी फिर 29.4 कर लें भैया, इसे भी 29.4 कर लें भाई। अच्छा जी, अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये है डेबिट, इस साइड पे आ जाएगी 39.2 एडजस्टमेंट नंबर 1, और भाई इधर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आ जाएगी डेबिट साइड पे। जी, 29.4 से। उम्मीद है बात समझ के होंगे, साथ साथ देखते जाएं भैया जी। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन ये दोनों हमने पोस्ट कर दी अपने अपने अकाउंट्स अपने, और इधर हमने 245 किताबों से भी निकाल दिया। अच्छा जी, ये एंट्री भी हमने पोस्ट कर दी भाई। अच्छा, अगली ट्रांजेक्शन पे आए भाई। कहता इक्विपमेंट कॉस्टिंग 800,000 परचेज्ड ऑन 1st10 2014, कहता वॉज डैमेज इन द बरसात, इन द बरसात में कहता हमने क्या कर दिया, एक एसेट कहता इक्विपमेंट था जिसे हमने परचेज किया 1st जनवरी 2014 में, कहता ये डैमेज हो गया बारिशों की वजह से, बारिशों की नजर हो गया, कहता इन दिसंबर 2016 एंड वॉज स्क्रैप्ड, और कहते इसे बेच दिया। बेचा क्या, स्क्रैप, रद्दी लोया ललन नहीं होता भाई, उसमें दे दिया। हमने कहा भाई इतने इसके कितने पैसे लोगे, तो उसने कहा भाई हम मुझे अपने पास से दे दें थोड़े से, इसके तो कुछ भी नहीं बनते। तो भैया इसकी क्या एंट्री, इन्होंने किताबों के अंदर ये एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की, रिकॉर्ड ही नहीं की, तो यही एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी पड़ जानी है भाई। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करना पड़ेगा और फिक्स एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा, पैसा कोई रिसीव नहीं हुआ तो भाई ये प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और भाई इसकी डेप्रिसिएशन हम कहेंगे, हमने स्क्रैप, हमने इसको अपनी किताबों से निकाल दिया दिसंबर वाले महीने में, ठीक है। तो हम दिसंबर की जो पॉलिसी है, हम दिसंबर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे दिसंबर वाले महीने की। और उन्होंने तो किताबों के अंदर रखा इस एसेट को, उन्होंने पूरा साल इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज की, सर 1 महीने की डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज कर ली, वो हमें रिवर्स करनी पड़ेगी। जी भाई, अब इसकी ज़रा कैलकुलेशंस पे आ जाएं जी। कहता है 8 लाख एसेट था, ये कॉस्ट है भाई, कहता है 1 साल की डेप्रिसिएशन इतनी, कहता है ये WDV आई, अगले साल की नेटबुक वैल्यू पे लगी तो डेप्रिसिएशन इतनी भैया। अब अगले साल पे आई तो हमने कहा 11/12 इसकी डेप्रिसिएशन आनी है 11 महीनों की, इन्होंने पूरा साल अपने पास रखी रखा, 1 महीने का इख्तलाफ आया, 8533 से डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज कर ली भैया, ये रिवर्स करनी पड़ेगी। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा, और भाई कॉस्ट माइनस अगर बुक वैल्यू कर दूं तो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है ये किताबों से निकल जाएगी और इतने से एसेट निकल जाएगा। जी भैया, इसकी अगर जर्नल एंट्री देखें भाई तो ये बनेगी इतने, ये एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 381867 से, और एसेट इतने से, क्रेडिट 8 लाख से, और जो डिफरेंशियल है वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि सर हमने तो ड्राइंग्स के केस में प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नहीं लेके गए थे, मेरे मासूम दोस्तों, ऑनर जो चीज़ घर ले जाता है उसे ड्राइंग्स कहते हैं, और जिस चीज़ की जितनी औकात होती है उतने से जाती है, ठीक है। वो अपने घर लेके गया, वो डिस्पोजल नहीं है, वो बेचा नहीं है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेके गया गए कोई भी इम्पैक्ट। जी भैया, ये एडजस्टमेंट नंबर 1 थी, मैं इसे वैसे ही अपने समझने के लिए ये 3 एडजस्टमेंट्स हैं भैया, इसे भी 1 का ही नाम दूंगा। अच्छा जी, एंट्री क्या होनी थी भाई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और सर जी इसको भी फिक्स एसेट ही कह देते हैं, क्रेडिट, और सर डिफरेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, और सर एक और एंट्री करनी पड़ेगी, चल इस तरह करके कर लेते हैं जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सॉरी, रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी पड़ेगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट,
डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट जी भाई, जो अमाउंट्स हैं वो आप देख लें जी भाई जी, 381.8667 कर लें भाई। आज वैसे बच्चों की कदर फील हो रही है जी। इधर आएगा 800 और भाई बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 418.133। और भाई 8533 से ये वाला काम हो जाना है। आप भाई इसे किताबों के अंदर, इसे लेजर्स के अंदर रिकॉर्ड भी करें भाई। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले एसेट को क्रेडिट करें भैया। 800 से एडजस्टमेंट नंबर मेरे भाई 1 ही है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी किताबों से बाहर फेंकें। 381.67 कर लें भाई, इतना परेशान ना हो आप, 67 कर लें। अच्छा जी, फिर उसके बाद मेरे भाइयों, फिर एडजस्टमेंट नंबर 1 इस डेक्यूमुलेटेड को किताबों से बाहर फेंकते। अच्छा जी, अगली ट्रांजेक्शन पे आए भाई। कहता है ए मशीन कॉस्टिंग 75,000 इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ फिक्स एसेट। कहता है ये फिक्स एसेट की जो लिस्ट होती है ना, जिस पे लिखा होता है, ये लिस्टें बनी हुई हैं भाई, ये लिस्टें बनी हुई हैं, ये पेज है जी, इस पर लिस्ट बनी हुई है भाई, ये 1 2 3 4 आगे और पेजेस हैं। कहता इसके अंदर एक फिक्स एसेट था ही नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन की तो एसेट नजर आया। कहता बट हैज नॉट बीन इन द यूज ऑफ, कहता बट हैज बीन इन द यूज ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। कहता जब फिजिकल वेरिफिकेशन की तो सेल्स डिपार्टमेंट में वो एसेट पड़ा हुआ था। कहता सिंस 1 मार्च 2016, कहता 1 मार्च 2016 से वो एसेट सेल्स डिपार्टमेंट के पास था। कहता ऑन इन्वेस्टिगेशन, कहता जब जब इन्वेस्टिगेशन की गई, जब पूछा गया, जब क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेट किया गया, तो इट वाज फाउंड दैट मशीन वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टॉक इन ट्रेड। कहता ये इन्वेंट्री में चीज पड़ी हुई थी, उधर से ट्रांसफर करके पीपी में ले आए। सेल्स डिपार्टमेंट अपना डिपार्टमेंट है ना जी, अपने इस्तेमाल में ले आए। कहता बट नो एडजस्टमेंट वॉज मेड इन द किताबों के अंदर। सर हमें एंट्री क्या करनी पड़ेगी? हमने करना पड़ेगा जी पीपी डेबिट, फिक्स एसेट डेबिट, और सर जी इन्वेंट्री क्रेडिट। और जब हमने किताबों में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो हमने इसकी डेप्रिसिएशन भी इसकी रिकॉर्ड नहीं की। जब एसेट रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसकी डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड नहीं की होगी जी भाई। एंट्री क्या करनी पड़ेगी? एंट्री भाई इतनी आसान एंट्रीज है, इधर डायरेक्ट हो सकती हैं, आप लोगों को पता है जी भाई। हम करेंगे फिक्स एसेट डेबिट भाई 75,000 से, और सर जी इन्वेंट्री क्या हो जाएगी? क्रेडिट। सर 1 मार्च 2016 से हम इसे अपने इस्तेमाल में ले आए थे, यानी 10 महीने की डेप्रिसिएशन भी आएगी जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। जब कुछ ना किया हो ना, फिर ये एंट्रीज करना बड़ा आसान हो जाता है, फिर इधर कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, फिर बस ये डायरेक्ट डायरेक्ट हो जाती हैं चीज़ें। इधर आएगा भैया एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो भैया इस तरह आएगी 75,000 मल्टीप्लाई बाई 20% मल्टीप्लाई बाई 10/12, ये इस तरह करके कैलकुलेशन होगी भाई इसकी। इसकी अमाउंट अब देख लेते हैं भाई कितनी है, इसकी अमाउंट अब देख लेते हैं भैया कितनी है जी। अमाउंट इसकी तकरीबन बनती है मेरे भाई, कैलकुलेशन की तो जी 12,500 की अमाउंट है। तो इससे क्या होगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भैया क्रेडिट जी। जी भाई, अच्छा जी, अब इसको पोस्ट करते हैं जी, साथ साथ पोस्ट भी करते हैं जी। फिक्स एसेट बढ़ जाएगा 75 से, एडजस्टमेंट नंबर 1 भाई इस तरह भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं है। अच्छा फिर उसके बाद भैया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट होगा क्रेडिट 12.5 से, ये एडजस्टमेंट नंबर 1 जी। ये वाला काम भी हमने कर लिया भाई, देख लें इधर अकाउंट में आके भी देख लें जी। बिल्कुल हो गया जी, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया जी। अब हम क्या करेंगे? कहता आगे आए जी,
ट्रांजेक्शन नंबर टू पे इंस्टॉलेशन ऑफ एन असेंबली प्लांट वॉज कंप्लीटेड, कहता है इंस्टॉलेशन जो थी असेंबली प्लांट की कंप्लीट होगी 1 दिसंबर 2016 पे, यानी हमारे वाले साल के आखिरी महीने में। और भाई जिस साल, कहते हैं जी जो महीना, इंस्टॉलेशन का मतलब क्या है जी, अवेलेबल फॉर यूज़ है एसेट, अवेलेबल फॉर इस्तेमाल है। कहता है जी इंस्टॉलेशन चार्जेस अमाउंटेड टू ₹240,000 हैव नॉट येट बीन पेड एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ड्यू टू, अच्छा इसकी बात ही नहीं हो रही अवेलेबल फॉर यूज। अच्छा कहता है इंस्टॉलेशन चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹240,000 हैव नॉट येट बीन पेड एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ड्यू टू नॉन रिसीट ऑफ द इनवॉइस। कहता आपको पता है गुफ्तगू क्या की जा रही है कि इंस्टॉलेशन चार्जेस जो हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस जो हैं भैया ये असल में कैपिटलाइज होते हैं। क्या होते हैं जी, कैपिटलाइज होते हैं। हमने मिसाल मैं देता हूं, कहता जी अगर इंस्टॉलेशन चार्जेस पे हो ना हो, हमने पेमेंट की बेस पे थोड़ा कैपिटलाइज करना है, हम तो उस वक्त जो है हम तो अक्रूवल की बेसिस पे इसे कैपिटलाइज कर लेंगे। सही है, अक्रूवल की बेसिस पे हम तो रिकॉर्ड करेंगे ना जी, जब इनकर्ड हो गए तब हम रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करना है, जब इनकर्ड होता है। हाँ ये वो एक्सपेंस है जो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाना है, एक्सपेंस इस एक्सपेंस ने कैपिटलाइज होना है। अब भैया लेकिन हमने तो इसे किताबों के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ, भाई रिकॉर्ड करना पड़ेगा इसको। हम एंट्री क्या करेंगे, हम मेरे भाइयों अपने एसेट को बढ़ा देंगे, हम अपने एसेट को बढ़ा देंगे। अच्छा जी आगे इंफॉर्मेशन नहीं है, और आई कैप ने अपने क्वेश्चन में भी इस पर मेरा नहीं ख्याल कि कोई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, एक एंट्री की होगी फिक्स एसेट डेबिट 240 से और इंस्टॉलेशन चार्जेस पेएबल क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है जी, ये एक दफ़ा आए इधर, और जी एक महीने की डेप्रिसिएशन भी बिल्कुल अवेलेबल फॉर यूज़ है, अवेलेबल फॉर इस्तेमाल है, तो एक महीने की डेप्रिसिएशन भी आएगी। एक बात जो है वो हमने लिखी हुई है कई दफ़ा अपने पास कि भाई जिस दिन ये इम्प्लाइड है, जिस दिन जो है एसेट अवेलेबल फॉर इंस्टॉल हो जाता है और आगे कुछ नहीं लिखा होता, और आगे कुछ नहीं लिखा होता कि ये एसेट हम कब अवेलेबल फॉर इस्तेमाल में लेके आए, यानी कमर्शियल प्रोडक्शन कब शुरू की या कब हमने इसको इससे चीज़ों को बनाना शुरू किया, अगर ये नहीं लिखा, हम एज्यूम करेंगे कि भाई जिस दिन एसेट इंस्टॉल हो गया ये अवेलेबल फॉर इस्तेमाल बिल्कुल उसी दिन है। ठीक है जी, अच्छा जी ये इस बात की इंडिकेशन है कि आज एसेट जो है वो अवेलेबल फॉर इस्तेमाल है। जी भाई एडजस्टमेंट, शुक्र है भाई एडजस्टमेंट नंबर टू भी आई। जी सबसे पहले हम करेंगे जी फिक्स्ड एसेट डेबिट, ये होगा मेरे भाई डेबिट 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 240 से डेबिट और इंस्टॉलेशन चार्जेस पेएबल होंगे जी 240 से क्रेडिट जी, और सर एक महीने की डेप्रिसिएशन भी आएगी जी, एक महीने की डेप्रिसिएशन भी आएगी और आनी भी चाहिए। मेरा ख्याल था शायद एक महीने की डेप्रिसिएशन इन्होंने कैलकुलेट नहीं की, जी बिल्कुल की हुई है और करनी भी चाहिए थी, मेरा ख्याल था शायद आई कैप ने नहीं की, भाई बिल्कुल की हुई है और करनी भी चाहिए थी, आई कैप ने ना भी की होती तो हम ज़रूर करते जी, और करनी भी चाहिए, बहुत लॉजिकल है जी। किस तरह कितनी आई भाई, कहते जी 240,000 मल्टीप्लाई बाय 20% डेप्रिसिएशन का रेट है और सर मल्टीप्लाई बाय 1/12, इन्होंने तो एसेट को ही रिकॉर्ड नहीं, कैपिटलाइज नहीं किया 240 को, तो डेप्रिसिएशन कहाँ से आ जाएगी। तो भाई इसकी अमाउंट कितनी बनती है, इसकी अमाउंट बनती है मेरे भाई अगर हम इधर से देखें, इसकी अमाउंट बनती है जी 4000, ये 4000 बन रहा है भाई, 4000 ये 4000 बन रहा है, 240 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 1/12 जी भाई, ये बनेगा जी 4000, मैं हम 1000 में चूंकि कर रहे हैं तो इधर 4 आ जाएगा जी। अब एंट्री सपोज करें जी फिक्स एसेट डेबिट 240 से जी एडजस्टमेंट नंबर टू, और सर इधर क्या आएगा भाई, हो सकता था हमें वो कहता कि आप एक्सट्रैक्ट्स बना दें, तो एक्सट्रैक्ट्स अगर बनाएंगे तो भैया फिर इधर इन्वेंट्री करंट एसेट में एक माइनस हो जानी थी
और मेरे भाई इंस्टॉलेशन चार्जेस पे या लाइबिलिटी में ऐड हो जाने थे, ठीक है जी, करंट लाइबिलिटीज़ में। अच्छा जी, एक्सट्रैक्ट बनाने को भी कहता है भाई। देखें, करेक्शन ऑफ एरर्स में हमसे नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी करवा सकता है, वो हमने की हुई है, क्वेश्चन नंबर 6 है शायद, क्वेश्चन नंबर 7 में भी उसने ग्रॉस और नेट की नहीं करवाई, मेरा ख्याल सिर्फ प्रॉफिट की करवाई है। और भी एक और क्वेश्चन भी है जिसमें प्रॉफिट में, हाँ एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था उसमें, वो उसने हमें कहा था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना के दें एडजस्टेड, सही वाली करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएं। तो भाई जब हम करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने लगे थे, तो उसमें इक्विटी में शेयर कैपिटल आता है, प्लस 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 मेरे भाइयों प्रॉफिट भी आता है, नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है जी, आफ्टर टैक्स आपको पता है। फिर मेरे भाई वो नेट प्रॉफिट भी, अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस में मसले तो हमने इधर इस जगह पे नेट प्रॉफिट की सारी कैलकुलेशन, प्रॉफिट में जो चीज़ें आनी थी उसे एड लेस किया था, फिर उसे क्या कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लेके गए थे। तो इनडायरेक्टली उसने हमसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की भी वर्किंग करवा ली थी। अच्छा जी, तो भाई इससे एक्सट्रैक्ट्स भी बनाए पूछे जा सकते हैं, करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी पूछी जा सकती है, प्रॉफिट में इंपैक्ट भी सकता है, और जनरल एंट्रीज भी पूछी जा सकती हैं। भैया बेस जनरल एंट्रीज ही होंगी, जनरल एंट्रीज जिसको आती हैं वो सब कुछ कर लेगा। अगर तो सिर्फ रिक्वायरमेंट जनरल एंट्रीज की हुई तो फिर तो जनरल एंट्रीज कर ली, बना ली हमने। इधर से ही भाई मेरे आगे, हम इधर से ही आगे जो है एक स्टेप आगे है जी, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने ऐसे सीखा, जो चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस में आनी चाहिए, जिस तरह ये चीज़ क्या प्रॉफिट एंड लॉस में आनी चाहिए, नहीं, ये प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, नहीं ये आता है, हाँ, अगर कोई चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस में आती है और वो क्रेडिट साइड पे आ रही है तो ये प्रॉफिट को बढ़ा देगी, सही है। इस तरह हमने सीखे क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के अलावा बाकी सब चीज़ें ऐसी सीखी हैं। अगर कोई चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस में आनी चाहिए, जैसे ये है, और अगर कोई चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस में आनी चाहिए, स्टेप नंबर 1 का जवाब है जी बिल्कुल आनी चाहिए ये। और क्या ये डेबिट साइड पे या क्रेडिट, तो इसका जवाब है डेबिट साइड। डेबिट साइड पे अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस में चीज़ आएगी तो वो प्रॉफिट को कम कर देगी। इस तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जिसको जनरल एंट्रीज आती हैं वो एक्सट्रैक्ट भी बना सकता है, इधर से देख के बनाने हैं। और भैया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन सही वाली भी बना देगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी बना देगा, और जी और मेरे अजीज हम वतनों वो प्रॉफिट में इम्पैक्ट भी बता देगा जी। अब मेरे भाई इसको हम करते हैं जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर, अकाउंट के अंदर पोस्ट जी 4 रुपीज से। अगली ट्रांजेक्शन पढ़ लीजिए, कहता है भाई, कहता एन इनवॉइस ऑफ 683,000 फॉर अ मशीन परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2016, यानी हमारे साल में, कहता वॉज गलती से अकाउंटेड फॉर 863,000। कहता एक मशीन थी भाई जो इनवॉइस रिसीव हुई, कहता हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया। भाई देखे ना, हमने उसे रिकॉर्ड कितना किया, उसने ये बताया कि हमने डेबिटेड इस जगह किया, क्रेडिट इस जगह किया, अगर ये नहीं बताया तो फिर हमने इसका मतलब जनरल एंट्री रिकॉर्ड गलत कर दी। अकाउंट का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, फिर जनरल एंट्री गलत होगी होगी ना। उसने ये बताया कि डेबिट ये किया, क्रेडिट ये किया, या कहीं सस्पेंस अकाउंट नजर आ रहे हैं हमें कि क्वेश्चन के अंदर सस्पेंस अकाउंट दिया हो कि हमें या डेबिट गलत किया या क्रेडिट। अगर कोई सस्पेंस अकाउंट क्वेश्चन में नजर नहीं आ रहा, ना उसने ये स्पेसिफिक किया कि डेबिट में गलती की या क्रेडिट में, इसका मतलब भी जनरल एंट्री में पूरी में गलती होगी ना, फिर क्या करेंगे भाई। मशीन को रिकॉर्ड होना चाहिए था 683,000 से, हमने कर दिया 863,000 से, 180,000 से हमने मशीन को ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया, सही है। तो हमने क्या किया होगा, हमने इधर लिखा, इधर इधर एंट्री आ रही होगी जी 683,000 से मशीन डेबिट और क्रेडिट, और क्या कहते हैं पेएबल फॉर मशीनरी हमने कर दिया होगा जी 683,000 से क्रेडिट, और मेरे भाई यानी लाइबिलिटी 863 से क्रेडिट की होगी। इधर हमने सही वाला जो मशीन को रिकॉर्ड कितने से करना चाहिए था 683,000 से, और क्रेडिट कितने से करना चाहिए था लाइबिलिटी को पेएबल को 683 से। तो भैया तो एंट्री क्या बनी भाई, एंट्री बन रिवर्सल एंट्री, सॉरी एडजस्टिंग एंट्री क्या बनी भाई, रिवर्स कर दें जितने से ज़्यादा रिकॉर्डेड है भाई, हम कहेंगे पेएबल फॉर मशीन है जी 180 से डेबिट, और सर क्रेडिट क्या है फिक्स एसेट में ही रिकॉर्ड करें भाई इसे, 180 फिक्स एसेट मतलब प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट। सर एक काम हमने और गलत किया होगा,
इन्होंने गलत काम जो किया, गलत काम किया भाई, 863,000 से क्या कर दिया, एसेट को बढ़ा दिया, सॉरी 180,000 से एसेट को बढ़ाया। जब एसेट को बढ़ाया तो इन्होंने डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा चार्ज कर ली होगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने की। तो भाई इधर 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 देखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 3, ये हमें ज़रूरत नहीं पड़ी इन कॉलम्स को बनाने की जी। तो भैया 3 महीने की डेप्रिसिएशन जो ज़्यादा रिकॉर्ड की उससे भी रिवर्स कर दें जी भाई। कितनी ज़्यादा रिकॉर्ड की होगी इधर से देख लेते हैं, अमाउंट्स देख लेते हैं भाई, क्योंकि मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ भाई। 80,000, 863,000 माइनस 683, ठीक है जी। और भाई इसको थोड़ा सा जी, और भैया मल्टीप्लाई कर दिया 3/12 के साथ, ठीक है। तो 9,000 की डेप्रिसिएशन ज़्यादा रिकॉर्ड की, ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है जी। ये इख्तलाफी बात है, 180,000 से हमने एसेट को गलत बढ़ाया, उसे कम करना पड़ेगा। जब एसेट कम किया तो उस पर जो डेप्रिसिएशन है वो भी कम करनी पड़ेगी जी। 9,000 से डेबिट और इधर क्रेडिट जी, इसको अब पोस्ट करते हैं पे फिक्स एसेट क्या जी, क्रेडिट एडजस्टमेंट नंबर 3, 180,000 से क्रेडिट भाई। जो गौर से देखना एंट्री करके फौरन उसे पोस्ट भी करें भाई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का काउंट हो रहा है डेबिट 9 से। तो भाई क्लोजिंग एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा, एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा, मैं हूं मेरे साथ भी मैं हूं मैं हूं भाई, ये आ जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। इधर अगर जीरो हैं तो इधर तो नहीं आने चाहिए थे जीरो। देख ले ली हमने सारे काम, गलत गलत कह रहा हूँ, सही कर लिए जी। 245 को क्रेडिट करना था कर दिया, 245 को क्रेडिट करना था कर दिया, 800 को क्रेडिट करना था कर दिया, 180 को भी क्रेडिट कर दिया। ये बैलेंस लिखा 75,240 जी, बिल्कुल सही काम कर लिए। 2409,000 जी। तो भाई ये क्या हो गया जी, तो ये हमारा एडजस्टेड बैलेंस है जो कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाना चाहिए जी। ये काम हमने कर, सॉरी 6250 रिकॉर्ड किया, 112.5 रिकॉर्ड किया, 4 किया, बिल्कुल सही। 39.2 भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो भाई क्लोजिंग क्या आता है, आपकी बच्चा कहेगा सर जी पॉइंट को पॉइंट इधर कर दें पॉइंट उधर कर दें, ये 0.23 नहीं आता, 0.21 आता है। तो भैया जितने पॉइंट्स में मसले होंगे वो मेरे से क्लास के एंड पे ना जब सेशन एंड होगा इकट्ठे एक दफ़ा ले लेना जी भैया। 5798.5 बस ये जो है ये इसका क्लोजिंग आ गया, ठीक है जी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है जी। ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह ही हाफिज़।